वो एक पति पत्नी जा रहे थे, पता लगा रास्ते में ऐसा कुआं है जहां जो मांगो मिल जाता है। तो पति ने कार रोकी, कुएं में झाका कुछ मांगा। उसके बाद पत्नी ने कुएं में झाका कुछ मांगा, तो जब पत्नी मांग रही थी तो वो कुएं में ही गिर गई। तो पति बोला, आज से पहले मैं इन बातों विश्वास नहीं रखता था। बहुत अच्छे, पार्टी नहीं करता था। वाह। खैर, बहुत बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं। मुमताज नसीब ने क्या बढ़िया पढ़ा है। एक सूचना दे दूं कि मुमताज नसीब की पेन ड्राइव यहाँ उपलब्ध है, आप वो निश्चित रूप से सहेज के रखें। कितना मीठा स्वर है उनका, कार चलाते हुए कभी एकांत में सुनने का मन करे तो उस पेन ड्राइव से आप उनके गीत गज़लों को खूब सुन सकते हैं। $10 मात्र कीमत है, प्रचार के लिए मेरा कमीशन है उसमें, तो इसलिए मैं विशेष रूप से प्रचार कर रहा हूँ, क्योंकि 2 पैसे मुझे ही मिल जाएंगे। तो वो अवश्य खरीदिएगा आप, बाद में आप मुमताज जी के पास हैं, और नहीं तो सुभाष जी से पता कर लीजिएगा। विज्ञापन खत्म। नहीं, वाकई में क्या मीठा स्वर है जी। मुझे तो एक शेर याद आया था इनका, जब स्वर सुनता हूँ कि इस मधुबन की रात में सुन तेरी आवाज, मन रविशंकर हो गया तन बिरजू महाराज। तो इतना बढ़िया स्वर है इनके पास, क्या बढ़िया श्रृंगार सुनाया उन्होंने। हरियाणा वाला सोच भी नहीं सकता। सोच भी नहीं सकता। नहीं, एक ने कोशिश की। अच्छा। बोले, सीप जैसी खूबसूरत हैं तेरी आंखें। वाह, अच्छी लाइन लिख दी। हाँ, पहली लाइन तो भाई ने जोर लगा के ठीक ठाक लिख दी। जोर लगा के। बोले, सीप जैसी खूबसूरत हैं तेरी आंखें, जी चाहता है फोड़ के मोती निकाल लूं। तो बाद में तो हरियाणा का आदमी प्रैक्टिकल हो जाता है। तो हमारे प्यार का मामला अलग है, उस पर बाद में बात करेंगे। दरअसल वैसे भी कोरोना काल ने 3 साल हंसने नहीं दिया जी, बहुत बुरी स्थिति रही 3 साल। सबसे पहले कहा गया वर्क फ्रॉम होम, बताओ हम कैसे करें। तो सुभाष जी, मैंने वर्क फ्रॉम होम के तहत घर पर ही कविता सुनाई। अच्छा। ना कोई हंसा, ना किसी ने ताली बजाई, और ना ही कोई पेमेंट जेब में आई। कई कष्ट एक साथ थे जी। फिर मैंने अपनी दूसरी जेब से पैसे निकाल के खुद को पेमेंट दी। इस तरह वर्क फ्रॉम होम की औपचारिकता पूरी की। क्या बात है, वाह 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 वाह। अच्छा विनीता जी, इस कविता का असर पूरे विश्व में पड़ा। आप देख लो, रूस और यूक्रेन के युद्ध में आपका अमेरिका और यूरोप वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। अच्छा, एक वो समस्या थी लॉकडाउन की जी, पता नहीं यहाँ क्या स्थिति थी मुझे नहीं पता, लेकिन हिंदुस्तान में तो साहब वो 3 महीने पहले लॉकडाउन, 3 महीने बाद में बाहर सब कुछ बंद, कहीं आप जा नहीं सकते। पत्नी मेरा चेहरा देखे, मैं पत्नी का, इससे बुरा समय हो नहीं सकता। बुरा समय। वाह। हमारा काम हर दूसरे तीसरे दिन सूटकेस लेके निकलने का। वो 3 महीने हो गए घर में पड़े हुए, मैं अखबार पढ़ रहा, पत्नी इधर से उधर घूम रही और बड़बड़ा रही। बोले, पता नहीं ये बीमारी कब जावेगी। बीमारी नहीं, पता नहीं लग रहा था मुझे कह रही है, कोरोना को कह रही है। तो मैंने सोचा कुछ पल अलग ढंग से जिया जाए और किसी महिला मित्र को वीडियो कॉल किया जाए। कुछ तो परिवर्तन जीवन में। ये सोचकर मैंने अपनी सबसे सुंदर महिला मित्र को वीडियो कॉल मिलाया, लेकिन उसने फोन ही नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद लैंडलाइन पर उसका फोन आया। मैंने फोन ना उठाने की शिकायत की तो उसने समझाया, देखो सारे ब्यूटी पार्लर बंद हैं, अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी, मैं भी भाभी जी की तरह चुड़ैली लग रही हूं, इसलिए वीडियो कॉल नहीं उठाऊंगी। तो ये कष्ट भी सहा जी। अच्छा, एक कविता और कोरोना काल से संबंधित सुना देता हूँ जी, फिर उसके बाद हरियाणा पे आएंगे। अच्छा। कारण ये कि कोरोना काल इतना विभत्स मामला था, इतना कष्टदायक मामला था, उसमें से हाथ से निकालना बड़ा मुश्किल काम था, और वो 3 साल बिल्कुल हम खाली थे, बिल्कुल
एक प्रोग्राम किसी के पास नहीं था, बिल्कुल तीनों बिल्कुल खाली, तीन को सारे कभी खाली थे, हम क्या तीनों खाली थे। सरकार ने भी कुछ नहीं किया हमारे लिए, बाकियों के लिए तो फिर भी कुछ किया, हमारे लिए कुछ नहीं किया गया। तो जब 3 साल के बाद जब पहला आमंत्रण मिला, उसके एक कविता सुनाना चाहता हूं। वाह, करुणा काल के दृश्य कविता, के दृश्य का आप आनंद लेंगे उसके। करुणा काल के बाद कवि सम्मेलन का पहला आमंत्रण मिला तो रोम रोम खुशी से खिला, मन हो रहा था बेकाबू। महीनों बाद एक चुटकी कवि सम्मेलन मिलने की कीमत तुम क्या जानो सुभाष बाबू। तालियां सुने, माइक देखे, जमाना बीत गया, ना कहीं गए ना आए, इसलिए पेमेंट पर भी कोई नखरे नहीं दिखाए। तुरंत फ्लाइट की टिकट बुक करवाई। स्थिति यह थी जी मोती अग्रवाल जी कि मैंने फ्लाइट की टिकट का प्रिंट निकलवाया और 3 दिन तक तो मैं उसी पे लेटा रहा। तुरंत फ्लाइट की टिकट बुक करवाई, कई दिन तक तो नींद नहीं आई। फिर वो दिन भी आ गया जब यात्रा पर निकलना था, कवि मित्रों से मिलना था। महीनों से कमरे के कोने में उपेक्षित पड़े सूटकेस को जैसे ही उठाया, उपेक्षित पड़े सूटकेस तो मुझसे भी ज्यादा प्रसन्न नजर आया। भूल गया सारी शर्मो हया, उंगली की एक छुअन से ही खुल गया। हाय हाय, वाह 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 वाह। अब कपड़े रखने की थी बारी। कपड़ों की स्थिति बता दूं उस वक्त क्या थी हिंदुस्तान में। निक्कर और बनियान में टाइम कट रहा था, कपड़े बेचारे लटके लटके लटक गए थे। अच्छा, अलमारी में रखे हुए कपड़े ये सोच रहे थे मालिक है भी या निमट लिया। वाह। अब कपड़े रखने की थी बारी तो खोल ली अलमारी, शर्ट और पैंट दोनों अकड़ी अकड़ी थी, माथे की छोड़ो पूरे बदन पर त्योरियां पड़ी थी। हाय हाय। पानी के छींटे और गर्म इस्त्री से उनका बल निकाला और बड़े प्यार से सूटकेस में डाला। अब तो सूटकेस खुशी से फूला नहीं समा रहा था, एयरपोर्ट पर भी मुझसे आगे आगे जा रहा था। काउंटर वाले ने पूछा लगेज, मैंने कहा हैंडबैग है। सुनते ही सूटकेस बौखला गया, मैं उसे अपने साथ रखना चाहता था, वो ये भी भूल गया, खुशी के साथ साथ गुस्से में फूल गया। फूला हुआ सूटकेस देखकर काउंटर वाला बोला, प्लेन छोटा है, ये सामान लगेज में ही जाएगा, गंतव्य पर आपको मिल जाएगा। सूटकेस मेरी तरफ देख के सोच रहा था अब आएगा मजा। महीनों से कमरे के कोने में पड़ा पड़ा इसी ठलुए को तो झाड़ू पोछा लगाते देख रहा था। ठलुए को अब अपने दिन भी खेलेंगे, अंदर पुराने यार सूटकेस मिलेंगे, उनसे बतियाऊंगा, हसीन अटैचियों से नैन लड़ाऊंगा। काउंटर के पीछे तरह तरह के सूटकेसों का था हुजूम, कुछ धाकड़ थे कुछ मासूम, कई सूटकेसों की आंखों से तो आंसू बरस रहे थे। कोरोना ने उनके मालिकों को लील लिया था, अब उन हाथों के स्पर्श को तरस रहे थे। खैर, उनको अपने हाल पर छोड़ में विमान की तरफ बढ़ा और ये सोच के चढ़ा कि गेट पर ही हाथ जोड़े, मुस्कुराहट बिखेरे, एयर होस्टेस के सुंदर से चेहरे के दर्शन होंगे। पर विमान में घुसते ही निराशा हाथ लगी, पीपीई किट पहने, चेहरे पर मास्क और शील्ड लगाए, एक बिजूका टाइप स्त्री खड़ी मिली। बिजूका, उसका ये रूप हमने 2 घंटे सहा। सहा, बिना मतलब घंटी बजाना दूर, प्यास लगने पर भी उसे पानी लाने को नहीं कहा। अब गंतव्य पे पहुंचने के बाद का दृश्य, लगेज बेल्ट पर मेरा सूटकेस बिल्कुल नहीं शर्मा रहा था। सबसे अंत में एक कमसिन सी अटैची का हाथ पकड़े ठुमकता हुआ चला आ रहा था। हाय हाय, क्या बात है, ठुमकता हुआ। पास खड़े शंभू ने कहा, इनको देख के मन कर रहा है मैं भी सपनों में खो जाऊं, ऐसी अटैची का साथ मिले तो मैं भी सूटकेस हो जाऊं। अच्छा, दुकड़ दुकड़ अब भी कायम थी जी। कारण ये कि निमंत्रण तो आते थे पर फिर फोन आया था जी, 50 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं मिली इसलिए नहीं करवा पा रहे। तो डर था कि बाहर आते आयोजक के नमस्ते आप आ तो गए, कृपया अगली फ्लाइट से वापस जाएं।
बाहर आते ही आयोजकों ने मालाओं से स्वागत किया। तभी एक ने पूछ लिया, महीनों बाद कवि सम्मेलन करना कैसा लग रहा है? मैंने कहा, इस पर आह करूं या वाह, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी नेत्रहीन का विवाह। क्या बात है, वाह वाह। एक नेत्रहीन की जयमाला हो गई, सगाई हो गई, फेरे हो गए, तो पंडित ने दी बधाई, तो नेत्रहीन बोला, काहे की बधाई, मुझे क्या पता तुम सब लोग क्या ड्रामा रच रहे हो। विवाह संपन्न हुआ मैं कैसे जानूंगा? जब तक दुल्हन बाहों में ना आ जाए, विवाह संपन्न हुआ मैं ना मानूंगा। आखिरकार वो क्षण भी आ गया जब सजा हुआ मंच था, माइक था, श्रोता थे। माइक मानो कह रहा था, आज तो तू समूचा खिल गया है। और माइक को बाहों में भरा तो यकीन आया, प्रोग्राम सचमुच मिल गया है।